नमस्कार दोस्तों दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से फोन सर दोस्तों, और आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज का जो वीडियो लेकर के आए हैं वो पावर बटन और वॉल्यूम बटन का यूनिवर्सल वीडियो है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कस्टमर पावर बटन बार बार प्रेस करता है और ये खराब होता है। बहुत बार दिन में कितना बार प्रेस होता है और ये खराब होता है। तो इसका वीडियो बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट था, इसलिए लेकर के आ गए। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है कि सारे फोनों का वॉल्यूम बटन पावर बटन का पत्ता खरीद के नहीं रखना पड़ेगा, या कस्टमर आपका आएगा तो दौड़ के दुकान आपको खरीदने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आपके साथ समस्या क्या होता है, ऐसा पावर बटन खराब है चलो खरीद के लाते हैं, वॉल्यूम बटन खराब है कस्टमर से समय लेते हैं जाते हैं और दुकान से खरीद के लाते हैं, भाई उसमें आपको पैसा भी लगता है ज्यादा पावर बटन पूरा खरीदने में। आज का जो जुगाड़ बताएंगे कि पूरे बटन नहीं खरीदने से भी आपका चल जाएगा, दूसरी चीज कौन कौन सा पावर बटन का टिकली अपने पास होगा कि सारे फोनों में आप सेट कर लोगे। चलो लगभग फोनों में आप सेट कर लोगे, कस्टमर नहीं घूम करके जाएगा पावर बटन वॉल्यूम बटन से रिलेटेड। सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आता है। देख सकते हैं यहां पे हम कुछ बटन लेकर के आ गए एग्जांपल के तौर पे। कभी कभार क्या होता है, पावर बटन को बार बार प्रेस करने से वो खराब हो जाता है। क्या खराब होता है, तो पावर बटन के ऊपर में जो टिकली काला दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक वाला जो दिख रहा है ये दबाने से बार बार प्रेस जब हम लोग करते हैं ना, तो ये साइड हो जाता है, खराब हो जाता है, प्रॉब्लम होता है, टूट जाता है। जिसके कारण रीजन क्या, कंप्लेंट क्या आता है, कस्टमर बोलता है कि जोर से दबाते हैं तो काम करता है। कस्टमर का क्या कंप्लेंट आता है कि कभी कभी काम करता है कभी कभी नहीं करता है, वॉल्यूम अप नहीं काम कर रहा, वॉल्यूम डाउन नहीं काम कर रहा, तो पावर बटन नहीं काम कर रहा है, कभी करता है कभी नहीं करता है, जोर से दबाते तो करता है, दबाते लगातार काम करते रह जाता है। ये सारे प्रॉब्लम का परेशानी को सॉल्व हो जाएगा आज का इस वीडियो में, अगर पूरे वीडियो को देखते हैं। मतलब दोस्तों जो ऊपर में टिकली लगा हुआ रहता है वो खराब हो जाने से भी हमारे पास में समस्या आता है। कभी कभार ये बटन को दबाते दबाते पूरा बटन ही टूट जाता है। कभी कभार हमारा ये पूरा पत्ता है और निकाल रहे थे मदरबोर्ड से, या फिर किसी कारणवश यही पूरा टूट गया, या कोई दूसरा दुकान वाला खोला तो उसमें ही इसको टूट गया, तो कैसे रिपेयर होगा। उसको रिपेयर करने के लिए बिल्कुल साधारण सा उपाय हम लेकर के आए, जो कि इजी तरीके से आप रिपेयर कर पाओगे। यहाँ पे जो टिकली दिख रहा है ये टिकली चेंज होता है दोस्तों, और अगर ये टिकली 6-7-8 प्रकार का आता है, अगर ये टिकली को अपने पास रख ले तो बिल्कुल कम पैसे में, अरे भाई 2-3 रुपया में मिलता है टिकली, 2-3 रुपया में मिलता है, और ये टिकली को चेंज करके आप कस्टमर से अच्छा खासा अर्निंग ले सकते हो। अभी ये पूरा पत्ता खरीदने जाओगे मार्केट में तो 50-40-50 रुपया में आपको मिलेगा, और अगर आप टिकली खरीदोगे टिकली रखोगे 2-3 रुपया में आप कस्टमर से रिपेयर करके और अच्छी कमाई कर सकते हो। यदि आप टिकली रखते हो यूनिवर्सल, तो एक तो कस्टमर को साथ ही साथ आप रिपेयरिंग करके दे दोगे, दूसरे आपको ज्यादा बेनिफिट बचत होगा क्योंकि आप पूरा नया खरीदोगे तो ज्यादा चार्ज आपको लगेगा खरीदने के लिए, और ये एक टिकली चेंज करके 2-3 रुपया खर्च करके और पूरे बटन का आप चार्ज ले सकते हो और इसको रिपेयर करके कस्टमर को दे सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा बढ़िया से। और अगला कौन सा रिक्वायरमेंट रहेगा, कौन सा चीजों पर वीडियो चाहिए वो भी कॉमेंट करना, ये वीडियो कैसा लगेगा इसके बारे में भी बता के जाना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो वॉल्यूम बटन पावर बटन आता है वो इस प्रकार का आता है, बहुत सारा आता है। अब इसमें जो आता है यहाँ देख सकते हैं 2 कनेक्टर वाला है, इसमें 4 कनेक्टर वाला है, इस टाइप से 2 कनेक्टर 4 कनेक्टर का आता है, टाइप टाइप का आता है। ये सारे बटन हम अपने पास में ला करके रखे, और ये यदि आप अपने दुकान में ये सब खरीद के रखना चाहोगे तो अच्छा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, काफी खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आप एक को खरीदोगे 30-40 रुपए में आपको मिलेगा तो इसमें। और दूसरी चीज, जितने सारे मॉडल है उतने सारे मॉडल आपको कहीं एक दुकान में मिलेगा भी नहीं, और उतना खरीद के रख भी नहीं सकोगे। अगर खरीदने जाओगे तो इसी में आपका 10,000-20,000 लग जाएगा।
तो अशोक अपने पास ये पूरा बटन पत्ता तो नहीं रख सकते हो, लेकिन ये टिकली रख सकते हो भाई। 200-300 रुपया खर्चा होगा, लगभग सारे फोनों का टिकली अपने पास खरीद के रख सकते हो। वो सारे टिकली कौन कौन सा आएगा थोड़ा सा देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे टिकली का कुछ सैंपल ले आया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो टिकली है ये थोड़ा साइज बड़ा थोड़ा साइज छोटा, 3-4 प्लेग का आता है, 2 लेग का आता है, उसमें साइज में थोड़ा सा अंतर रहता है। तो अलग अलग साइज का आप यदि ये टिकली को यदि 7, 8 या 10 टाइप का ले लेते हैं ना, तो अभी का जितने एंड्रॉइड फोन आ रहा है, 4G फोन आ रहा है, 5G फोन आ रहा है, सारे फोनों में आप इजी तरीके से सेट कर पाओगे, सेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारे जो बटन हैं ये यूनिवर्सल बटन के तौर पे आप समझ लो, ये सारे बटन खरीद के अपने दुकान में रख डालो, 200-300 रुपया खर्चा करो, एक भी कस्टमर बटन से रिटर्न नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये बटन को जरूर अपने पास खरीद के रखो। दोस्तों इस बटन को कैसे खोलेंगे, कैसे लगाएंगे, क्या SFT मशीन से खोलना सही रहेगा, क्या उसका खोलने का कोई टूल्स आता है, क्या इसको हम सोल्डरिंग आयरन से खोलेंगे, खोलने और लगाने का काफी सारे तरीका होते हैं। अगर इसको रिप्लेसमेंट सीखना चाहते हो, इसका वीडियो देखना चाहते हो, तो आपका कमेंट आएगा कि सर रिप्लेसमेंट का वीडियो बना दीजिए, तो लाइव प्रैक्टिकल वीडियो रिकॉर्ड करके हम आपको भेज देंगे, ताकि आप समझ जाओगे कि इसको कैसे चेंज करेंगे। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, कोई टफ नहीं है। आप SMD मशीन से भी चेंज कर लोगे, आप आयरन से माइक्रो आयरन से भी चेंज कर लोगे, आपके पास मोटे वाले सोल्डर आयरन है उससे भी चेंज कर लोगे, मतलब इसको चेंज करने का काफी सारा ऑप्शन है। आप इजी तरीके से चेंज करके और अपने दुकान को, अपने दुकान में आए जो भी कस्टमर आपके पास आएंगे वो रिटर्न नहीं चाहेंगे, और उसको थोड़ा कम में भी आप सर्विस दे दोगे तो भी चलेगा, आपको भी बेनिफिट हो जाएगा, कस्टमर रिटर्न नहीं जाएगा, आपको बार बार मार्केट दौड़ करके जाना नहीं पड़ेगा खरीदने के लिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि दुकान में हम अकेले भाई साहब, अब हमारे पास कस्टमर आया दौड़ के दुकान जाएंगे खरीदने के लिए, दुकान बंद करना पड़ेगा। अरे भाई ये सब जुगाड़ रखोगे तो काहे जाना पड़ेगा, ज्यादा कुछ अमाउंट वाला चीज नहीं है, 200-300 का तो बात है, इसको खरीद कर रख लो और सारे फोन में सेट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और नेक्स्ट वीडियो आपका यूनिवर्सल का किस चीजों पे चाहिए देख सकते हैं, यहाँ पे इस टाइप का मिलता है आपका, ये खरीद लेना है। देखिए यहाँ पे टिकली है, ये बिना टिकली वाला है, ये 2 लेग वाला है, इस टाइप का जो है टिकली वो आपको बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में। अगर आपको नहीं मिलता है कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम आपको जरूर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएंगे, और अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे आपको चाहिए ये भी आप जरूर कमेंट करेंगे। दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियो को बहुत ही कीमती समय दे करके देखते हैं, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार धन्यवाद। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे रहेगा जरूर कमेंट करके बताएंगे, ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएंगे। दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियो को बहुत ही कीमती समय दे करके देखे, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।